आपका आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के 8 के अटैक का, यानी सबसे बड़ी बहस जवाब तो लेकर रहेंगे। यूपी टीएटी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो बवाल खड़ा हुआ और सरकार जिस तरीके से एक्शन में आई, वो राजस्थान बीजेपी के नेताओं के लिए नजीर या कहिए कि आदर्श बन गया। राजस्थान में रीट 2021 परीक्षा के नतीजे भले आ गए, लेकिन बीजेपी के नेता अब भी 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे। और यूपी से बूस्टर डोज मिलने के बाद बीजेपी नेताओं का जिस तरीके से आज जोश हाई हुआ है, अगर रीट परीक्षा के वक्त वो इतने ही सजग होते या फिर आवाज बुलंद होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अब तो यही कहा जा सकता है कि क्या बरखा जब कृषि सुखाने। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा कह रहे हैं कि रीट 2021 परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, जिन अभ्यर्थियों के एकेडमिक परीक्षाओं में नंबर अच्छे थे उन्हें रीट परीक्षा में कम नंबर मिले, यह मुमकिन है और ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन वक्त इस मामले पर खामोशी की चादर डाल चुका है, अब इसे कुरेदने से क्या मायने। क्या बीजेपी इस मामले को सियासी चश्मे से देख रही? अगर अभ्यर्थियों के भविष्य की इतनी चिंता होती तो 26 सितंबर परीक्षा होने से लेकर 2 नवंबर को नतीजे आने तक आवाज उठानी चाहिए थी। सड़कों पर संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या हासिल होने वाला, सिवाय इसके कि समय समय पर थोड़ी थोड़ी सियासी हवा इसको दी जा सके। इसीलिए आज का सवाल यह है। 8 के अटैक में एक रिपोर्ट आपको दिखाते फिर चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। छब्बीस सितंबर को हुई रीट 2021 परीक्षा के नतीजे भले ही आ गए हैं, लेकिन बीजेपी रीट परीक्षा में धांधली के लगे आरोपों के जिन को बोतल में बंद नहीं होने दे रही। यूपी टेट की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से एक्शन में दिखी, राजस्थान बीजेपी के नेता वैसा ही एक्शन 2021 की परीक्षा को लेकर देखना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि रीट के नतीजे आ चुके हैं, ये मामला यूपी की तरह मौजूद नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा अब कह रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने एकेडमिक परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए थे उन्हें रीट में अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, इससे पता चलता है कि रीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। रीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ये कह रही है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ इस परीक्षा को आयोजित किया है और इसके अंदर कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और युवाओं के अंदर और विद्यार्थियों के अंदर या परीक्षार्थियों के अंदर यह अविश्वास जरूर पैदा हुआ है कि इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है। सरकार को हर धर्मिता छोड़नी चाहिए। लाखों युवाओं के, लाखों विद्यार्थियों के या लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता सरकार पर हट धर्मिता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि रीट की परीक्षा 26 सितंबर को हुई थी जिसके नतीजे 2 नवंबर को आ गए। अब सब कुछ सेट हो चुका है पूरे दमखम के साथ, आवाज तो तब उठानी चाहिए थी जब रीट में नकल और पेपर लीक के मामले सामने आए थे। सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर सबका मुंह बंद कर दिया, अब सब ठंडे बस्ते में जा चुका है, फिर निरस्त करने की लकीर पीटने के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी को इसमें सियासत दिख रही है? चौमू से प्रदीप सोनी के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो